टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खरीद अब ओपन मार्केट में एमएसपी से कम दाम पर मिल रहा चना। सरकार द्वारा तय लक्ष्य का करीब 88% चना खरीदा जा चुका है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फिलहाल सरकारी खरीद बंद हो चुकी है। दलहन फसलों में अहम स्थान रखने वाले चने की सरकारी खरीद अब अंतिम चरण में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खरीदी बंद कर दी गई है। केंद्र ने 2022-23 के लिए 29 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का टारगेट रखा था। तय किए गए लक्ष्य के करीब 88% चना खरीदा जा चुका है। रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में सरकार ने चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था। खरीद बंद होने का असर अब ओपन मार्केट पर दिखाई देने लगा है। इसका खुले बाजार में भाव सिर्फ 4500 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल तक ही मिल रहा है। चने के सबसे बड़े उत्पादक मध्य प्रदेश के बाजारों में भी इसका दाम एमएसपी से कम ही दिखाई दिया है। वहीं नाफेड ने 29 जून तक चने की कुल 25.76 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की है, जबकि उसके पास तकरीबन 32 लाख मीट्रिक टन चने का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसमें से 6.24 लाख मीट्रिक टन का पुराना स्टॉक है। दलहन फसलों में चने की भागीदारी करीब 45% है। इसके सबसे बड़े उत्पादक एमपी में ही सबसे ज्यादा सरकारी खरीद भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि राज्यवार सरकारी खरीद के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 7.60 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा गया है। वहीं गुजरात में 5,59,000 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 8 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा गया है। वहीं राजस्थान में 2,85,000 मीट्रिक टन चने की खरीदी की गई है। कर्नाटक में 74,000 मीट्रिक टन चना खरीदा गया है, जबकि आंध्र प्रदेश में 72,000 मीट्रिक टन चने की खरीदारी देखने को मिली है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 19,56,000 मीट्रिक टन चने की खरीदी सरकारी की गई है। अब महाराष्ट्र में चने की सरकारी खरीद का लक्ष्य 7,76,000 मीट्रिक टन था। वहीं गुजरात में 5,36,000 मीट्रिक टन, तो मध्य प्रदेश में 8,71,000 मीट्रिक टन, तो राजस्थान में 5,98,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया गया था। अगर देश भर में चने के उत्पादन की बात करें तो इसे सालाना आधार पर 17.4% बढ़कर 139,08,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। गुजरात में चना उत्पादन 49% बढ़कर 21,04,000 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जबकि राजस्थान में चना उत्पादन 20% बढ़कर 27,02,000 मीट्रिक टन, तो महाराष्ट्र में 15% बढ़कर 27,06,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। वहीं ओरिगो ई मंडी की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च से 29 जून 2022 के दौरान मंडियों में चने की आवक पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 17% बढ़ी है और 17% बढ़कर 16,09,000 मीट्रिक टन दर्ज की गई है। इस साल मार्च महीने के दौरान आवक 21% कम दर्ज की गई, हालांकि अप्रैल के बाद में इससे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब तक सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो आवक में फिलहाल 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।